नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,71,00,000 के पार। अब तक 17,00,000 के करीब संक्रमितों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी। कोरोना वैक्सीन पर टिकी है सबकी निगाह। फिलहाल दुनिया में 2,13,00,000 से अधिक एक्टिव केस। तुर्की में ऑक्सीजन वेंटिलेटर फटा। हादसे में 10 कोरोना मरीजों की मौत। सेकू विश्वविद्यालय अस्पताल के आईसीयू वार्ड की घटना। सभी मृतकों की उम्र 55 से ऊपर। अमेरिका में मॉडर्ना के टीके लगना शुरू। एफडीए ने फाइजर के बाद मॉडर्ना की वैक्सीन को दी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। आवश्यक सेवा में लगे लोगों को अब मिलेगी डोज। पहले मेडिकल स्टाफ को दी जा रही है खुराक। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाया सिरदर्द। ब्रिटेन के बाद अब इटली में मिला पहला संक्रमित। ब्रिटेन से लौटे यात्री में मिला वायरस का नया स्ट्रेन। यूरोपीय संघ के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर लगाई रोक। दक्षिण इंग्लैंड में कोरोना का नया प्रकार सामने आने पर लगाई रोक। जर्मनी में भी ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को सीमित करने पर कर रहा है विचार। कोरोना का नया रूप बेहद खतरनाक। 70% बढ़ी कोरोना वायरस की ताकत। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार यह बहुत बड़ा बदलाव जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक। भारत में पहले से कम हुई कोरोना की रफ्तार। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,00,00,000 के पार। अब तक 1,45,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों की मौत। भारत में भी कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रयास जारी। फिलहाल भारत में 3,00,000 से अधिक एक्टिव केस। 24 घंटे में मिले 24,337 कोरोना पॉजिटिव। यूके में कोरोना के नए रूप में भारत में हलचल। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानें रद्द। सीएम गहलोत ने की थी फ्लाइट्स बैन करने की मांग। राजस्थान में कोरोना संक्रमण रफ्तार पड़ी धीमी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,00,000 के करीब। अब तक 2,600 से अधिक कोरोना संक्रमितों की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशखबरी। जनवरी में लग सकती है पहली वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र सरकार का फैसला। पेंशन भोगियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। 28 फरवरी तक बढ़ाई जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख। पीएम मोदी ने किया भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित। विभिन्न मुद्दों पर रखे अपने विचार। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक ड्रोन की हुई हलचल। बीएसएफ ने 18 राउंड की फायरिंग। वापस लौटे ड्रोन। 11 पाकिस्तानी ग्रेनेड बरामद। एनआईए की रडार पर खालिस्तानी संगठन। भारतीय एनजीओ को हुई फंडिंग की होगी जांच। गृह मंत्रालय ने तैयार की फंडिंग की लिस्ट। एनआईए के साथ कई जांच एजेंसियां करेंगी पड़ताल। किसानों के आंदोलन का 26वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं किसान। किसानों ने की भूख हड़ताल। सरकार ने 40 संगठनों को फिर भेजा वार्ता का प्रस्ताव। दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए ट्रेन शुरू। जयपुर से कई प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें संचालित। चेन्नई, कोयंबटूर, सिकंदराबाद के लिए चलेंगी ट्रेन। 1 जनवरी से फास्टैग होगा अनिवार्य। फास्टैग नहीं लिया तो लगेगा डबल टोल। आरसी और आईडी कार्ड दिखाकर खरीद सकते हैं फास्टैग। बर्फीली हवाओं का प्रकोप रहेगा जारी। शीतलहर की चपेट में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड। राजस्थान को मिली सर्दी से हल्की राहत। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिएक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता दर्ज हुई। सुबह 8:33 पर महसूस हुए भूकंप के झटके। सोनिया की बैठक के बाद एक्शन मोड में कांग्रेस। तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े बदलाव। राजस्थान में जल्द होगा पीसीसी की कार्यकारिणी का गठन। मुंबई में अभिनेता अर्जुन रामपाल पहुंचे एनसीबी दफ्तर। ड्रग्स मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने की पूछताछ। एमपी के रायसेन में आलीशान रैन बसेरा होटल की तरह तैयार किया गया है रैन बसेरा। नगर पालिका के प्रयासों की हो रही सराहना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। नए और पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। हरियाणा के यमुनानगर में अनोखे तरीके कृषि कानूनों का हुआ विरोध। किसानों के समर्थन में घोड़ी की जगह ट्रैक्टर पर निकाली बारात। यूपी के कासगंज में कृषि कानूनों का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय का किया घेराव। यूपी के आगरा में बिजली कनेक्शन काटने गए एसडीओ से किसानों की झड़प। किसानों ने एसडीओ पर उठाया डंडा। सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज।
यूपी के फतेहाबाद में नगर पंचायत की ओर से हाल ही में बनाया गया खड़ंजा टूटा। शिकायत पर अधिशासी अधिकारी ने किया निरीक्षण। खड़ंजा निर्माण में हुआ है घटिया सामग्री का प्रयोग। यूपी के वाराणसी में नगर निगम जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। कपकपाती सर्दी में रैन बसेरों की भी नहीं है व्यवस्था। रेलवे स्टेशन पर भी अव्यवस्थाओं का आलम। यूपी के हरदोई में दो दर्जन गाड़ियां कोहरे की शिकार। हरियाली बाजार के पास हुआ हादसा। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र में मासूम की हत्या। लोगों ने हत्या और रेप की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन। मोतीलाल वोरा के निधन पर सीएम गहलोत ने जताई संवेदना। कहा उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक। कोविड-19 की स्थिति और वैक्सीनेशन पर हुई चर्चा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित कई अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा। 25 दिसंबर को जयपुर पहुंचेंगे अजय माकन। 26 दिसंबर को कोटा संभाग की लेंगे बैठक। 27 को यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे। हर घर पर्चा उपलब्धियों पर चर्चा अभियान एनएसयूआई शुरू करेगी। पीसीसी चीफ ने किया पोस्टर का विमोचन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ली मीटिंग। शिक्षा संकुल में शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग ली। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति सहित कई मुद्दों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। कोटा दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट सर्किल से गोबरिया बावड़ी सर्किल तक विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। मंत्री साले मोहम्मद और उप सचेतक महेंद्र चौधरी का सिरोही दौरा। अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। पिछले 2 साल में कराए गए कार्यों की समीक्षा की। जयपुर में एआरडी टीम का औचक निरीक्षण। आरएसएसबी में औचक निरीक्षण। 33% अधिकारी मिले नदारद। 26% कर्मचारी भी नदारद मिले। टीम ने उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए। जैसलमेर में बीएसएफ के आईजी ने किया सीमा चौकियों का निरीक्षण। आईजी आयुष मनी तिवारी ने किया निरीक्षण। सुरक्षा संबंधी इंतजामों का लिया जायजा। बांदीकुई के ढिगरिया भीमगांव में दर्दनाक हादसा। बजरी की खान में दबने से 2 की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के सांभर में दर्दनाक हादसा। तालाब में गिरने से बच्चे की मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा। सांभर के टोड़ा गांव की घटना। बाड़मेर के पचपदरा में भीषण हादसा। बाईपास पर अनियंत्रित होकर पलटा तेल से भरा टैंकर। पलटने के बाद टैंकर में लगी भीषण आग। सीकर के फतेहपुर में हादसा। केमिकल से भरे ट्रोले में लगी आग। ट्रोले के पास खड़े 2 ट्रक भी आए चपेट में। नेशनल हाईवे 52 पर देवास गांव के पास की घटना। करौली के टोडा भीम में चोरों का आतंक। जेवरात और 70,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में चला पीला पंजा। सूरज कच्ची बस्ती में नगर पालिका की कार्रवाई से मचा हड़कंप। लोगों में मची चीख पुकार। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस कोरोना को लेकर सख्त। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर की कार्रवाई। श्रद्धालुओं के काटे चालान। भरतपुर के डीग में अवैध खनन को लेकर प्रदर्शन। वाहनों की आवाजाही पर जताया आक्रोश। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। अलवर के मुंडावर में कृषि कानूनों का विरोध जारी। राजाराम मील पहुंचे शाजापुर बॉर्डर। किसान आंदोलन का किया समर्थन। जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर दिया धरना। यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के बाहर दिया धरना। पाली के सुमेरपुर में प्रशासन की अनदेखी। बलाना उप स्वास्थ्य केंद्र की अनदेखी। जर्जर अवस्था में पहुंचा उप स्वास्थ्य केंद्र। राजसमंद के राज्यवास की बेटी का सराहनीय कार्य। बीएससी की स्टूडेंट कृतिका ऑनलाइन बच्चों को सिखा रही है योगा। अच्छे स्वास्थ्य के प्रति कर रही है जागरूक। जालौर के भीमाल में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। प्रधान किरण भारतीय ने किया आयोजन। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। जोधपुर के फलौदी में महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं से अपील। लॉयंस क्लब ने की अपील। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दिया संदेश। पाली के सुमेरपुर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। महिलाओं को दिया जा रहा है आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। डूंगरपुर में हर्षोल्लास से मनाया गोविंद गुरु का 162वां जन्मोत्सव। भजन संध्या और धर्म सभा का हुआ आयोजन। सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड। 5 दिनों से पारा जमाव बिंदु से नीचे। न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। बिहार में पुलिसकर्मियों ने ली शपथ। डीजीपी समेत सभी पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली।
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में मिला सफेद भालू का शव, कुएं में मिला भालू का शव, मरवाही वन परिक्षेत्र के अंडी गांव की घटना। अभिनेता अक्षय कुमार और सारा अली खान पहुंचे आगरा, आगरा में चल रही है फिल्म अतरंगी रेख की शूटिंग, सारा अली खान और अक्षय कुमार को देखने के लिए उमड़ी भीड़। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को मिली धमकी, जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस कमिश्नर के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के कन्नौज में हथियार के साथ फोटो वायरल, शादी के दौरान की फोटो, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी में धान की खरीद के लिए दर दर भटक रहा है किसान, सीतापुर के हर गांव से राजधानी लखनऊ पहुंचे किसान, सरकार के तमाम दावे फेल। यूपी के पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, किसानों ने एनएच 730 पर लगाया जाम, कृषि कानूनों का किया विरोध। यूपी के संभल में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन, डीएम के कार्यक्रम में वस्त्रों की हुई लूट, चंदौली तहसील का मामला। यूपी के शामली में लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 14 लाख रुपए की बताई जा रही अवैध शराब। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अव्वल आने के लिए अजमेर नगर निगम प्रयासरत, सरकारी इमारतों पर की जा रही पेंटिंग। बांसवाड़ा में चल रहा 21वीं सदी का पुलिस थाना, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित, रियासत काल के केवल कवेलू पोष मकान में संचालित है पुलिस थाना। झुंझुनू में पार्षदों के आरोपों के बाद तैश में आई सभापति, कहा नहीं बैठ सकती सुबह से शाम तक नगर परिषद, वहीं कांग्रेस पार्षद ही मांग रहे हैं सभापति नगमा बानो से इस्तीफा। झुंझुनू में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, एसएफआई ने जलाया प्रधानमंत्री मोदी का पुतला, किसान आंदोलन के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। पाली में राजस्थान पटवार संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांग पत्र और पूर्व में हुए समझौतों पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग। फतेहपुर में भवरू खां की छठी बरसी पर दी गई श्रद्धांजलि, रोल साहबसर गांव में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, भवरू खां के छोटे बेटे भाई विधायक हाकम अली खां ने भी किया याद। झुंझुनू के पचेरी कला में शहीद हवा सिंह नेहरा की मूर्ति का अनावरण, 55 साल बाद लगी शहीद की मूर्ति, प्रेम सिंह बाजौर ने किया अनावरण। बारा के माथना गांव में मनाई गई अनिरुद्ध सिंह हाडा की 30वीं जयंती, माताजी बाग में 231 छात्र छात्राओं को वितरित किए गए स्वेटर। झुंझुनू शहर में हुई सूफी गाने की शूटिंग, मानव तस्करी से जुड़ी समस्या पर फिल्माया गया गाना, सलीम मर्चेंट की आवाज में रिकॉर्ड है गाना। झुंझुनू में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान सिंह का दौरा, अंबेडकर भवन में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, संगठन की झुंझुनू कार्यकारिणी का किया गया गठन। झुंझुनू में एफर्ट्स का तीसरा चेक वितरण कार्यक्रम, 10 बच्चों को दी करीब 1.5 लाख की राशि, उपनिदेशक पितराम काला के आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना, 8वें दिन भी जारी, 27 दिसंबर को पीएम के मन की बात का होगा विरोध, थाली और ताली बजाकर करेंगे मन की बात का विरोध। झालावाड़ के डग में नई थम रही चोरी की वारदात, चोरों ने निजी स्कूल को बनाया निशाना, हजारों रुपए का सामान पार किया। झुंझुनू में पटवारियों ने निकाली मौन रैली, वेतन विसंगति दूर करने की मांग, सावंत कमेटी को सार्वजनिक करने की भी मांग। झुंझुनू में खाद्य विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक बैठी धरने पर, कहा सालों से लंबित मामलों की नहीं हो रही सुनवाई, कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने विधवा वृद्धावस्था पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों से की मुलाकात, वस्तु स्थिति का जायजा भी लिया। डूंगरपुर में पटवारी विभिन्न मांगों को लेकर रहे सामूहिक अवकाश पर, विरोध में शहर में निकाली मौन रैली, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा में पटवार संघ ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर निकाली मौन रैली, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। झुंझुनू के भीमतर में जमीन पर चारदीवारी को लेकर विवाद, पुलिस की मौजूदगी में हुआ चारदीवारी निर्माण, समझाइश के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुआ निर्माण। जालौर के आहौर में पुलिस की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट में सहयोगी आरोपी को किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़की और मुख्य आरोपी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार। पाली के मारवाड़ जंक्शन में निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कोरोना के चलते आर्थिक स्थिति बदहाल, निजी स्कूलों को नहीं मिल रही सुविधा।
पाली के मारवाड़ जंक्शन में पत्रकार संगठन ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। IFWJ पत्रकार संगठन ने सौंपा ज्ञापन, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित मांगे पूरी करने की मांग रखी। यूपी के पीलीभीत में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत, एक घायल, खमरिया रोड पर हुआ हादसा। यूपी में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पहुंचे लखनऊ, शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों से की मुलाकात, अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में राजस्थान पटवार संघ ने निकाली मौन रैली, जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित धनोप माता मंदिर में चोरी का मामला, पुलिस ने चोरी की चांदी खरीदने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, चोरी की चांदी बरामद। टोंक की निवाई में जिला प्रमुख सरोज बंसल और प्रधान का किया गया स्वागत, देवनारायण मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया गया सम्मान, इलाके की समस्याओं को जल्द किया जाएगा दूर। पाली के मारवाड़ जंक्शन के कृषि फार्म के ट्रांसफार्मर में लगी अचानक आग, कई पेड़ पौधे जलकर हुए राख, एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चूरू के तारानगर CSC को मिले 20 ऑक्सीजन सिलेंडर, उपखंड अधिकारी ने सौंपे ऑक्सीजन सिलेंडर, सुभाष चारण ने हीटर देने की घोषणा की। अजमेर के पीसांगन में आग की घटना, भावता गांव में ट्रांसफार्मर में लगी आग, बड़ा हादसा टला। झालावाड़ के डग में नवनिर्वाचित प्रधान की अध्यक्षता, साधारण सभा की बैठक, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर के रामदेवरा में ट्यूबवेल पर लगी मोटर जलकर खाक, कम वोल्टेज के कारण हुआ हादसा, किसानों का बड़ा आर्थिक भार। अजमेर के बीजांगन में अभिभाषक संघ ने किया कार्य बहिष्कार, SDM के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जयपुर के कोटपुतली में नगर पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न, कांग्रेस के अशोक शरण बने उपाध्यक्ष, भाजपा की सुशीला सैनी को दी मात। A1 तेज में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।